हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताऊंगी जिसे मैंने वाइट और पिंक कलर से बनाया है। इस ड्रेस को मैंने कई 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 रंगों में बनाया, पहले भी बना चुकी हूँ मैं। जैसे ये देखिए, ग्रीन और ब्लैक कलर में मैंने इस ड्रेस को बनाया है। इस कलर में भी ये ड्रेस बहुत सुंदर लगी है और इसी तरह से मैंने इसे क्रीम और मैरून कलर में भी बनाया है। ये देखिए, इस कलर में भी ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। आज मैं इसे वाइट और पिंक कलर में आपको बनाना बता रही हूँ। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चोली बनवा ली है हमने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। 4 या 5 नंबर के कान्हा जी अगर आपके हैं तो उनको ये चोली बिल्कुल फिट आएगी। अब हम इस पे आगे अपना ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको, चोली को हम जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बनाने के बाद हम इसे जोड़ेंगे। हमें कलर चेंज करना है, इसलिए हम इसे, जो हमारा दूसरा कलर है पिंक कलर, उसके साथ जोड़ेंगे। चोली हमने वाइट कलर से बना ली है। तो अब हम इसमें इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। ये स्लिप स्टिच हो जाएगा हमारा और ये जुड़ गया। और जुड़ने के बाद हमें पहले, सबसे पहली जो रो हमारी है, इसमें हमें 2 रो बनानी है। तो सबसे पहली रो में पिंक कलर से ही हम दोनों रो बनाएंगे। तो पहली रो में हम 3 चेन बना के हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन बन गई। अब हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जितनी भी चेन हमारी घेरे की हैं, 2-2 बनाने हैं हमें, सब में 2 डबल क्रोशिया। और इस तरह करते करते ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2-2 डबल क्रोशिया हर रो में, हर चेन में। ये देखिए, हम 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए अपनी लास्ट चेन तक आ गए। जो 2 चेन हमने घेरे को जोड़ने के लिए बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ये हमने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमारा जो ड्रेस का घेरा है वो छोटा ना हो, पहनाने में इजी रहे। तो अब हम इसे जोड़ देंगे, अपनी पहली जो हमने 3 चेन बनाई थी उनके साथ हम इसे जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हमें 1 रो और इसी कलर से बनानी है। सिंपल रो हमें और एक इसी कलर से, पिंक कलर से ही बनानी है। इसके ऊपर उसमें हम 3-3, 4-4 डबल क्रोशिया के बाद 1-1 डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि ये ड्रेस हमारी इकट्ठी ना हो। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें हमें अपनी जो हमारी ड्रेस है, इसमें हमारी 8 कलियां हैं। तो हमारी जो 1 कली है वो 7 डबल क्रोशिया से मिलकर बनती है। 7 डबल क्रोशिया को जब हम, मतलब, एक साथ मिलाते हैं तब हमारी 1 कली बनेगी। तो हमें 8 कलियों के लिए 56 डबल क्रोशिया हमें इसमें चाहिए। दूसरी रो में हमारी जो है 56 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो अब जैसे मेरी जो फर्स्ट रो है उसमें 44 डबल क्रोशिया हैं, तो उन्हें 56 करने के लिए मुझे इसमें 12 डबल क्रोशिया बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप भी अपने जो पहली रो है उसके करने के बाद अपने सारे जो डबल क्रोशिया हैं, जो डबल क्रोशिया के ऊपर की जो चेन है, ये जो चेन है, ये वाली जो वी शेप की चेन है, इन्हें गिन लीजिए कितनी है। जो आपकी जितनी भी ये चेन हो उसके अकॉर्डिंग आप अगली रो में अपने फंदे बढ़ा लीजिए। अगर आपके में ये 40 हैं तो आपको 16 फंदे बढ़ाने हैं। अगर आपके में ये 46 हैं, 46 हैं, तो आपको 10 फंदे बढ़ाने हैं। मतलब आपको सेकेंड रो में अपने 56 फंदे करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 8 कलियां हमारी इस ड्रेस में बनेंगी और 8 कलियों के लिए हमें 56 फंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें बढ़ा लीजिए। तो जैसे मैं इसमें 12 फंदे बढ़ाऊँगी इस रो में। ये सेकेंड रो कम्प्लीट हो गई है, इसमें हमने अपने 12 फंदे जो हैं
वो बढ़ा लिए हैं, क्योंकि हमें इस रो के लिए 56 फंदे चाहिए थे, 56 फंदे हमें, 56 डबल क्रोशिया हमें इसमें चाहिए थे। अब हम इसे जोड़ लेंगे। अब इसके ऊपर का वर्क हमें वाइट जो हमारा कलर है उससे करना है, तो हम इसे वाइट कलर के साथ अब जोड़ लेंगे। दो रो हमने पिंक कलर से बना लिए हैं और वाइट कलर से जोड़ने के बाद अब हमें इसमें तीन चेन बनाएंगे, दो और तीन। तीन चेन बनाने के बाद हमें इसमें मतलब टोटल हमें सात जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनकी हमारी एक कली बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर कली के लिए हमें चार डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। तो सबसे पहला तो डबल क्रोशिया हमारा ये बन गया जो हमारे तीन चेन हैं, तो अब हम तीन डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। एक दो तीन और चार, एक और बना लेंगे हम इसमें। तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में और एक और डबल क्रोशिया हम इससे अगली चेन में बनाएंगे। तो ये हमारे चार डबल क्रोशिया आप देखिए बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें चार चेन बनानी है। तो हम इसमें चार चेन बनाएंगे, खाली चेन, दो तीन और चार। चार चेन बनाने के बाद अब ये हमारी चार चेन तो हो गई इसका बेस। अब हमें इसकी कली बनाने के लिए 25 चेन और बनानी है इसमें। ये हमारी पांच नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है, तो हम इसमें 25 चेन बनाएंगे। चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस। अभी हमारी चार चेन हमने शुरू में बनाई थी, ये देखिए, ये हमने चार चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी और 25 चेन हमने अब बना ली। तो हमारी टोटल कितनी चेन हो गई, 29 चेन हो गई। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला हमारा जो चेन है इसको हम जो हमने शुरू में चार चेन बनाई थी, एक दो तीन और चार, इसके साथ हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। जो फोर्थ चेन हमने बनाई थी इसके साथ हम इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने जोड़ दी। इसके बाद हम चार चेन और बनाएंगे, एक दो तीन और चार। और चार चेन और बनाने के बाद हम पहले इसको एक दो तीन, तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो और तीन, इन तीन चेन को हम छोड़ देंगे और चौथी जो चेन है हमारी उसमें हम डबल क्रोशिया इसका बनाएंगे। देखिए, अब देखिए इसको, ये हमने चार डबल क्रोशिया बनाए, फिर चार चेन बनाई, फिर ये 25 चेन हमने और बना ली। 25 चेन बनाने के बाद जो हमारी फोर्थ चेन थी उसके साथ हमने इसे जॉइंट कर दिया स्लिप स्टिच से। फिर हमने चार चेन और बनाई ये, और उसके बाद एक दो तीन, तीन चेन को छोड़ के हमने अपने फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बना दिया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चेन्स हैं ये आपकी मुड़े ना, ये देखिए बिल्कुल सीधी आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे जो सीधा है इसको ये सीधा ही आना चाहिए। ये ऐसे ना हो कि आपका ये ऐसे बटे में आ जाए, या किसी वजह से आपका नीचे का जो ये वर्क है ये घूम जाए तो उसमें बटा आ जाए, क्योंकि हमें इसमें अब आगे अपना वर्क जो है इसी में बनाना है। अगर ये मुड़ जाएगी तो वो सही से नहीं बनेगा, तो ये आप ध्यान रखिए कि ये मुड़े ना, ये सीधा का सीधा ही आपको जॉइंट करना है। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो हमें ये चार डबल क्रोशिया बनाने हैं जिसमें से एक हमारा बन गया, दो तीन
और चार। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर से यही काम करना है, पहले चार चेन बनानी है, एक दो तीन चार, और चार बनाने के बाद 25 और बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और 25। 25 बनाने के बाद ये सीधा आपको पकड़ लेना है, एक बार बिल्कुल सीधा आपको चेन पकड़ लेनी है। देखो बिल्कुल सीधी हमने पकड़ ली है, बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में हमारी चेन है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में है, और उसके बाद अब हम इसे फोर्थ चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे मोड़ के, ऐसे हम इसको सीधा सीधा मोड़ लेंगे, और जो हमारी फोर्थ चेन है उसके साथ इसको स्लिप स्टिच करके हम जोड़ देंगे। ये स्लिप स्टिच हो गया, देखिए बिल्कुल सीधी हमारी चेन मुड़ गई है, दोनों हमारी बिल्कुल सीधी आ रही है। तो अब हम फिर से चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन और चार। चार चेन बनाने के बाद फिर से तीन चेन छोड़ेंगे, एक दो और तीन छोड़ दी हमने, फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बना देंगे, अब ये देखिए जब हमारा ये हमारी दो कलियां बन गई हैं, अब जब ये हमारी दो कलियां बन गई हैं तो हमें पता लग रहा है ये देखिए कि ये हमारी जो एक कली है, ये जो हम मान लीजिए हमारी ये कली है यहाँ तक है, तो इसमें हमारे चार फंदे ये यूज़ हुए और तीन फंदे ये यूज़ हुए, तो हमारे टोटल सात फंदे यूज़ हुए एक कली को बनाने के लिए। फिर दूसरी कली में फिर से चार फंदे ये और तीन फंदे ये, सात फंदे हमारे यूज़ हुए। तो इस तरह से हमने आठ कली अगर हमें बनानी है तो हमारे इस रो में पूरे 56 फंदे होने चाहिए। अब ये देखिए ये हमारे पाँच या चार नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, तो हमारे ये रो पहले वाली भी बड़ी थी और उसके बाद हम इसमें 56 फंदे हमने कर लिए। लेकिन अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं, अगर आप ये ड्रेस जो है दो या तीन नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हो और ये आपके ये सेकंड रो में 56 फंदे नहीं हो पाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी सेकंड रो में 42 फंदे कर लीजिए। 42 फंदे करने के बाद आप इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे, आपका ये जो ये हम यहाँ पे चार फंदे यूज़ करते हैं, ये टोटल सात फंदे हम यूज़ करते हैं एक कली के लिए, तो आप छः फंदे यूज़ कीजिए। छः फंदे में आप क्या करेंगे, एक फंदे में एक डबल क्रोशिया करेंगे पहले वाले में, दूसरी चेन में दो डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरी चेन में फिर एक करेंगे। तो इस तरह से आपके तीन चेन में ही ये चार डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह और फिर आप तीन चेन छोड़कर फिर दूसरी कली शुरू कर लेंगे, तो उसमें भी आप पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में दो डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह करते करते तीन चेन में आपके दो डबल क्रोशिया सॉरी चार डबल क्रोशिया बन जाएंगे तीन चेनों में ही। तो इस तरह से अगर आपकी ड्रेस छोटी है और 56 फंदे नहीं हो पा रहे हैं तो आप 42 फंदे करके भी ये ड्रेस बना सकते हैं। और अगर आपकी ड्रेस बड़ी है और आपके फंदे इस रो में 56 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप कलियां बढ़ा सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपके 56 फंदे हैं तो आप 8 कलियां बना लीजिए, नहीं तो आप 63 फंदे कर लीजिए, तो आप 9 कलियां बन जाएंगी आपकी। अगर और भी ज़्यादा बड़ी ड्रेस है तो आप 70 ये डबल क्रोशिया कर लीजिए, तो आपकी 10 कलियां बन जाएंगी। आप इस तरह से कलियां अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटी ड्रेस वाले जो हैं वो कलियां 8 ही बनाएं, वरना ये सारी कलियां ऐसे इकट्ठी सी हो जाएंगी और ड्रेस नीचे से खुलेगी नहीं। तो अब इस तरह करते करते हम अपने पूरे घेरे में यहाँ तक जो पूरा हमारा घेरा है उसमें ऐसे ऐसे कलियाँ बनाते सारी कलियाँ बना लेंगे। बिल्कुल हमें कलियाँ सेम चेन की बनानी है, पहले चार चेन, फिर उसके बाद 25 चेन, फिर उसके बाद चौथी चेन में उसको हमें अटैच करना है और फिर चार चेन बना के
फिर तीसरी चेन छोड़ के चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम सारी कलियां बिल्कुल सेम बनाएंगे।